हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो है शिवांगी सिंह जी के बारे में। फिर IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट वुमेन फाइटर जेट पायलट बन गई हैं जो कि रफेल को उड़ाएंगी। ऑलराइट, तो रफेल अभी आपने देखा था कि रिसेंटली इंडक्ट हुआ था इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर। उनको उड़ाने वाली पहली महिला ऑफिसर जो है वो है शिवांगी सिंह। इनकी तस्वीर है, इन्हीं के बारे में हम थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि आर्मी के अंदर किस तरह का ट्रेंड है औरतों को आगे लेके जाने का। और उसी के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रफेल के बारे में क्या कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी। जब आप ANI 7 यूज़ करोगे अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आपको अच्छा खासा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आपकी टोटल पेमेंट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। 24 मंथ्स का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 67% तक डिस्काउंट मिल जाता है। एंड अगर आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हो आप 1 महीने के प्लान से, और अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स एज यू फील फिट। तो देखिए, जो शिवांगी सिंह हैं वो आपकी फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं, वाराणसी की हैं एंड ये फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनेंगी जो रफेल को जो है उड़ाएंगी। एंड रफेल को हमने फॉर्मली इंडक्ट किया था सितंबर 10, 2020 को अपनी इंडियन एयरफोर्स के अंदर। एंड ये जो है इनकी ट्रेनिंग अम्बाला में हो रही है, और इसके अलावा इनकी जो ट्रेनिंग है उसके बाद इनको एक स्क्वाड में रखा जाएगा जो कि 17 स्क्वाड्रन है जिसका नाम गोल्डन एरोज है। इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 वुमेन फाइटर पायलट्स हैं जिनको हम सेपरेट ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे कि वो सुपरसोनिक जेट्स जो होते हैं इनको उड़ा सकें। तो हमने सारी स्पीड ऑफ साउंड के हिसाब से क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, आपको याद होगा कि सुपरसोनिक हो गए जो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इन जेट्स को उड़ाने की इनको जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होता है सरकार का। लगभग एक पायलट को ट्रेन करने के लिए हमारे 15 करोड़ रुपये जो है वो खर्च होते हैं। अगर हम शिवांगी सिंह जी की बात करें तो ये जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था इन्होंने, और ये सेकंड बैच है वुमेन फाइटर पायलट्स का जिनको कमीशन किया था 2017 के अंदर। इसके अलावा इन्होंने पहले MiG-21 भी उड़ाया हुआ है। तो आपको पता है MiG-21 जो है काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा विमान है एंड फाइटर जेट है। इसके अलावा इनकी जो टेक ऑफ और जो लैंडिंग स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको भी उन्होंने उड़ाया हुआ है। तो इनके लिए सेकेंड चांस होगा जिसमें ये काफ़ी अच्छे एक जेट को उड़ाने का इनको मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो राजस्थान में इनको डिप्लॉय भी किया गया था विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ, जो कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान में कैप्चर हो गए थे। तो जब पाकिस्तान के साथ हमारी थोड़ी सी जो है स्क्रिमिश चल रही थी तो उस टाइम पे कैप्चर हो गए थे, उनके साथ भी इन्होंने जो जेट्स हैं फाइटर जेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह की हुई है, उड़ाया हुआ है। अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वुमेन को पहले नहीं लेके जाया जाता था और अब लेके जाया जा रहा है, तो उनमें से एक यही है कि वुमेन को पहले फाइटर जेट्स जो है वो उड़ाने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें उड़ाने दिया जा रहा है। ठीक है, राइट फ्रॉम 2015 10 वुमेन फाइटर पायलट्स को हमने ट्रेन किया था और उनको इंडियन एयरफोर्स में रखा था, एंड अब धीरे धीरे हम और भी ट्रेनिंग जो है वो दे रहे हैं वुमेन पायलट्स को। 2016 के अंदर भावना कांत जी हैं, अवनी चतुर्वेदी जी हैं, मोहना सिंह जी हैं, ये फर्स्ट वुमेन बनी थी जिन्होंने फ्लाई किया था। जो भी आपके बेसिक ट्रेनिंग टेस्ट होता है फाइटर जेट्स के लिए उन सभी को फ्लाई किया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो लगभग 4,000 के करीब हमने कॉम्बैट रोल्स के अंदर इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो है महिलाओं को शामिल किया है, जो पहले नहीं हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्बैट पोजिशंस की या टैंक्स की, तो वहाँ पर अभी भी नो गो जोन रखा गया है वुमेन के लिए। तो वहाँ पर जो महिलाएँ हैं जो हमारी वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको फिर भी नहीं दिया जाने दिया जाता है, लेकिन जो वॉरशिप्स हैं वो अब नो गो जोन नहीं है। यानी कि अगर आप एक महिला नेवी ऑफिसर हैं एंड आप वॉरशिप के अंदर जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जा सकती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सुधार जो है हमने देखने को मिला, एक इक्वालिटी की तरफ से भी और एक कॉन्फिडेंस भी जो हमारे वुमेन ऑफिसर्स हैं उनके अंदर इससे बिल्ट होता है। इसके अलावा जो आपकी सब लेफ्टिनेंट्स हैं रीति सिंह एंड कुमुदी त्यागी जी, उनको सिलेक्ट किया गया था हेलीकॉप्टर स्ट्रीम के लिए। तो हेलीकॉप्टर उड़ाने में भी जो आपके फाइटर हेलीकॉप्टर्स होते हैं आर्मी के एयरफोर्स के, उनके अंदर भी इनको शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं रफेल जेट्स के थोड़े से बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड की बात करें तो हमने 2016 सितंबर के अंदर फ्रांस को ऑर्डर दिया था कि हमें 36 रफेल जेट्स जो हैं आपसे खरीदने हैं आफ्टर ऑल द कॉन्ट्रोवर्सी एंड ऑल। वो सारा कुछ काफ़ी से कुछ चला था, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली हमने 2016 के अंदर ऑर्डर जो था वो प्लेस कर दिया था फ्रांस के पास। ये जो डील थी काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, लगभग 60,000 करोड़ का इसमें जो है खर्चा हुआ था। तो आप कह सकते हो काफ़ी एक्सपेंसिव डील थी इंडियन आर्मी के लिए। एंड इसकी जो फॉर्मल इंडक्शन थी वो अभी अभी हुई है सितंबर 10, 2020 को। तो सितंबर 10, 2020 को अम्बाला एयरबेस जो है हमारा हरियाणा स्टेट के अंदर पड़ता है, यहाँ पे जो प्लेन्स थे वो लैंड हो गए थे एंड ये जो काम था फॉर्मली इंडक्शन करने का वो हो गया था। अगर हम वैसे बात करें कि इंडिया में कब आ गए थे, तो इंडिया में जुलाई 29, 2020 को जो प्लेन्स हैं वो ऑलरेडी आ चुके थे। इसके अलावा जो नेक्स्ट बैच है हमारा रफेल जेट्स का, वो 3 से 4 जेट्स आने की उम्मीद है अक्टूबर तक।
एंड उसके बाद जो थर्ड बैच है वो दिसंबर तक आने की उम्मीद है, लेकिन कंप्लीट ऑर्डर नहीं होगा, कंप्लीट ऑर्डर जो है वो दिसंबर 2021 तक ही हो पाएगा, यानी कि दिसंबर 2021 तक आपके जो 36 के 36 जेट्स हैं वो इंडिया में सारे के सारे वापस जो हैं वो आ जाएंगे, बन के तैयार होकर आ जाएंगे। रफेल किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो इसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सीज काफ़ी थी, उसके बाद जो F-16 है पाकिस्तान का उसके साथ हम इसको कंपेयर भी करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये कंपैरिजन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, तो इस वीडियो के अंदर मैं उसको ड्रैग नहीं करूंगा, तो आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो आपको अनअकैडमी की पेज पर मिल जाएगा F-16 वर्सेज रफेल का वीडियो, तो उसको आप जाके देख सकते हो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक, तो शॉर्ट टॉपिक था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा T20 हमारी डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, 40 नंबर का ये टेस्ट होता है, और ये डेली 7:30 बजे क्विज हो जाती है अनअकैडमी की वेबसाइट पे एंड आपकी जो मोबाइल ऐप है उस पर। इट्स बेटर कि आप इसको डेली अटेम्प्ट किया कीजिए, ताकि आपके जो भी करंट अफेयर्स हैं वो साथ के साथ रिवाइज हो जाएं और आपका सेल्फ इवेल्यूएशन भी होता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। तो गाइज, अनअकैडमी प्लस है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलेंगे विद टॉप एजुकेटर्स, इनको आप स्विच कर सकते हो। अगर आपको एक एजुकेटर पसंद आया तो आप दूसरे एजुकेटर के क्लासेस देख सकते हैं। आपको हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल तीनों तरह के यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाते हैं, तो अगर आप हिंदी मीडियम ओनली से हैं तब भी आपका कंप्लीट सोल्यूशन है, इंग्लिश मीडियम ओनली है तब भी कंप्लीट सोल्यूशन है। एंड अगर आप बायलिंगुअल लैंग्वेज समझते हैं, यानी कि आप हिंदी में समझना चाहते हैं और इंग्लिश में आपका अटैम्प्ट होता है, इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हैं, तो बायलिंगुअल बैचेज भी हमारे पास अवेलेबल है। लेट नाइट बैचेज रहते हैं और 2 2 साल के बैचेज रहते हैं, जो लोग अभी कॉलेज में हैं और अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। सो लेट नाइट बैचेज अगेन आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो आप उस टाइम पे आराम से पढ़ सकते हो। 100% सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छुड़वाया जाएगा, 100% कंप्लीट कवरेज होगी अनलाइक अदर ट्यूशंस। इसके अलावा आपको वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शंस मिल जाती है, तो आपको पता है 23 के करीब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी सीएससी में, हमारे पास मैक्सिमम तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है, इसके अंदर भी आपको सेल्फ इवेल्यूएशन के लिए आंसर्स दिए जाते हैं, रीजंस दिए जाते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज की भी हम पूरी इवेल्यूएशन करते हैं, तो आपके आंसर्स अच्छे से चेक किए जाते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तो अगर आपको क्लास के बाद कोई भी डाउट रह जाए तो आप अपने एजुकेटर से, अपने टीचर से उस डाउट के बारे में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है, और मैंने आपको कहा भी था कि 20 क्वेश्चन हमारे डेली टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, तो वहाँ पे आपको वो सॉल्व करने होते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। इसके अलावा एसेज के लिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी हमारे डेडिकेटेड लेक्चर्स होते हैं, तो आपको पता है कि एसेज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आपने किसी भी टॉपर टॉक देखी हो तो उसमें हमेशा कहा जाता है कि एसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसेज को आपको स्किप नहीं करना, तो एसेज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इसीलिए एसेज के ऊपर भी हम खास ध्यान देते हैं, एंड यहाँ पे आपके मेंस के अंदर कट ऑफ क्लियर करने में आपको काफ़ी हेल्प करता है। प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आप सोचो प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद मैं 1 2 महीने में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसीलिए मैं आपको कहता भी हूँ, जो भी हम करंट अफेयर कर रहे हैं आप उसका 150 से 200 शब्दों में खुद से एक समरी लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस हिसाब से चल रही है और आपका कौन सा वीक पॉइंट है जहाँ पे आपको जो है फंक्शन करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। सेक्शनल क्विजेज होती हैं, पर्टिकुलर सेक्शन की क्विज होगी, उस क्विज के अंदर आपको देखा जाएगा कि आपकी इवैल्यूएशन कितनी आ रही है। सपोज करो पॉलिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स या ज्यूरिसडिक्शन, तो इस तरीके से आपकी जो क्विजेज हैं वो डिजाइन की जाती हैं। एंड लास्टली इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपके अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है, तो आपकी पूरी इंटरव्यू प्रिपरेशन हम आपको करवा के देते हैं। सो आई होप आपको ये सभी के सभी जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छे लगे होंगे। एंड इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, डू यूज़ माई कोड ANI7, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।